ने सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन ने आखिर उस ज्ञान परंपरा का आप तो कम से कम अनादर मत कीजिए। चाइना अपने ज्ञान परंपरा का अनादर नहीं करता और मैं तो सभी पूर्वजों को समान रूप से सम्मान देता हूं। मैं तो कन्फ्यूशियस को भी और चाणक्य को भी, मैं तो आइंस्टीन और न्यूटन को भी। अब जैसे ये हमारे जो पदार्थ विज्ञान को मानने वाले जो ऊर्जा के सिद्धांत को मानते ही नहीं, केवल जब शरीर को एक यंत्र मान करके, एक इंस्ट्रूमेंट मान करके, एक मशीन की तरह इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ये है इनकी। क्योंकि आप विज्ञान के पैरामीटर क्या होने चाहिए, मैं न्यूटन के साथ आइंस्टीन को भी मानता हूं, मैं डार्विन के साथ में लेमार्क को भी मानता हूं। बाबा क्योंकि आप जन अदालत में लाइव है, इस समय बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक आप पे आरोप ये लग रहा है, आईएम में भी लगा रहा है और कई एलोपैथी के बड़े बड़े प्रोधा आरोप लगा रहे हैं कि बाबा रामदेव अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। सुबह सुबह वो योग शिविर लगाते हैं और उसमें एलोपैथिक डॉक्टरों को गालियां निकालते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, अपनी दवाई बेचने के लिए, कोरोनिल बेचने के लिए, अपनी बाकी दवाइयां बेचने के लिए, पतंजलि का टर्नओवर बढ़ाने के लिए, है नहीं ना। ना देखो ये आरोप है आप पे। देखो हम, देखो हमारे पास तो जितना सेटअप है, हम तो जितनी अभी डिमांड है उसी की पूर्ति नहीं कर पा रहे जी। हमारे पास में आप पिछले जो है 6 महीने का रिकॉर्ड, 1 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हमारे पास में 5-6 करोड़ गोली डेली बनाने की कैपेसिटी, हम अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अमीश भाई हमारा कोई किसी को कोसना, किसी को दोष देना, किसी को नीचा दिखाना कैसे मकसद हो सकता है? हमने तो मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् एकत्व अनुपश्यत, हमने तो सहनाओ तो सहनौ भुनक्तु के गीत गाए, हम तो एकत्व सा अस्तित्व विश्व बंधुत्व और सामंजस्य के, वननेस को एग्जिस्टेंस हार्मनी के उपासक है। अब इतना हमारे आए कोई एक एलोपैथी का एक भी आप बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए जहां पर आयुर्वेद के ट्रीटमेंट की, जो कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड भी मेडिसिन है, उस वहां पे उसकी उपचार की व्यवस्था हो। मैं कह रहा हूं पतंजलि में मैं जो भी एलोपैथी के जो आवश्यक ट्रीटमेंट है उसकी अनुमति देता हूं कि भाई इमरजेंसी के तौर पर, शल्य चिकित्सा के तौर पर अपना लो। एक बात और कहता हूं अमीश भाई, जो एक आदर्श एक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर कैसा होना चाहिए, वो डॉक्टर भी मेरे पास है यहां पर, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी है, और भविष्य में पतंजलि वो एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बनाने का वो एक मेडिकल का कॉलेज खोलेगा जहां आदर्श रूप में हम एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी तैयार करेंगे। लेकिन बाबा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा का भी सम्मान करेंगे और नूतन अनुसंधान भी करेंगे। बाबा इसमें तो कोई दराय नहीं है कि आपका कारोबार है, कारोबार इन द सेंस पतंजलि एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है अब देश की, इसमें कोई दराय नहीं है। अभी आपने कुछ एक साल पहले ही रुचि सोया का भी अधिग्रहण किया है, तो इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि आपका बिजनेस इंटरेस्ट है। देखो मैं पुरुषार्थ जो करता हूं उससे अर्थ आता है जी, लेकिन वो सारा अर्थ परमार्थ के लिए है ना मेरे भाई, ये बात अलग होगी ना। स्वामी रामदेव ने अपने लिए 1 कौड़ी भी इस्तेमाल की हो तो जो दंड मिले वो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, वैदिक संस्कृति का जी, गुरुकुल का ये पूरा अनुष्ठान, अपनी सनातन संस्कृति को गौरव देने का, यदि 1000 करोड़ के मैंने चैरिटी के काम किए तो किसी किए? पुरुषार्थ से जो अर्थ आया उसको परमार्थ के लिए लगाया निस्वार्थ भाव से। अब ये करना भी यदि गुनाह है तो मैं ये योग मूलक उद्योग और ये पुरुषार्थ मूलक अर्थ जो अर्जित हुआ इससे परमार्थ में करता रहूंगा जी। बाबा रामदेव अब सवालों का दूसरा राउंड है, यानी बाबा रामदेव अब नेटवर्क 18 के संपादकों के सवालों के चक्रव्यूह में होंगे और मेरे साथ इस चर्चा में विवेक नारायण जुड़ रहे हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं साउथ न्यूज 18 के। आपका स्वागत है। राजीव पाठक है एडिटर न्यूज 18 गुजराती के। आशुतोष पाटिल है एडिटर है लोकमत के, न्यूज 18 लोकमत के। मेरे साथ इस चर्चा में ब्रजमोहन सिंह है जो कि एडिटर इनपुट है न्यूज 18 बिहार झारखंड के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन पहला सवाल मेरे पास जो है वो मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 सीएनएन न्यूज 18 के जाका जैकब का है। उन्होंने सवाल पूछा है बाबा रामदेव आपसे, आईएमए का कहना है कि कोविड से लड़ते हुए 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने जवान गंवाई है, डॉक्टरों ने इस दौरान योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी, ऐसे में क्या आपको अपने पुराने बयान पर खेद है
जिसमें आपने कहा था कि जो डॉक्टर अपनी रक्षा नहीं कर सके वो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे।